नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज हम मैथमेटिक्स का एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किए हैं, फंडामेंटल मैथमेटिक्स का। इससे पहले हमने दो वीडियो बना रखा है, यूनिटी मेथड और वर्क एंड टाइम का। आज हम चालू करने जा रहे हैं पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन। पाइप एंड टंकी का जो क्वेश्चन है, अगर उसको आपको अच्छे से समझना है तो पहले दिए गए जो वीडियो है हमारे यूनिटी मेथड और वर्क एंड टाइम का जरूर देख लीजिए, ताकि ये आपको समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। और इससे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं पाइप एंड टंकी से रिलेटेड। तो ये एक्चुअली मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन है और वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, दोनों करीब करीब सेम ही हो जाते हैं। कैसे सेम हो जाते, मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा आपको बताया था वर्क एंड टाइम के। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे वहां हम डिस्कस करते थे कि एक कोई आदमी है या राम कोई आदमी है, उसको एक्स डे लगता है किसी काम को खत्म करने में, और बी कोई आदमी है या मोहन कोई आदमी है, उसको वाई डे लगते हैं काम को खत्म करने में। तो दोनों को जो मिलके काम खत्म करते थे उसका भी फॉर्मूला होता था xy + xy / x + y डेज। यहाँ भी वही है। अगर एक कोई टैंक है, सपोज कीजिए कि हमारा ये टैंकी है, ये एक मेरा टैंक है, इसमें दो नल है सपोज कीजिए, ये नल ए है और ये सपोज कीजिए कि बी नल है, दोनों पानी भरता है इसमें, ठीक है दोस्तों, ये दो नल है। अगर ए को सपोज कि एक्स घंटा लगता है अकेले भरने में इस टैंक को, और बी को अकेले भरने में वाई घंटा लगता है, तो दोनों मिलके कितने देर में भरेंगे? तो सेम फॉर्मूला है जैसे वर्क एंड टाइम में है, वही फॉर्मूला यहां भी है कि xy / x + y। तो चलिए हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ए कोई पहला नल है, ठीक है, जो टंकी को भरने में उसको एक्स घंटा लगता है, और बी दूसरे नल को वाई घंटा लगता है, इसको भरने में एक्स घंटा लगता है, बी को भरने में वाई घंटा लगता है, तो दोनों मिलके कितने देर में भरेंगे? तो यूनिटी मेथड से भरेंगे। तो सपोज कीजिए कि सब यहाँ पे हम रख लेते हैं, दोनों मिलके जो भरने में समय लगेगा वो xy / x + y घंटा लगेगा। अब इस पे डेटा आप रख लीजिए और उसको चेक कर लीजिए। सपोज कीजिए कि एक्स की जगह पे आपको 3 घंटा दिया हुआ है और वाई की जगह पे आपको 5 घंटा दिया हुआ है, तो x + y अब जब निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3 × 5/3 + 5, यानी 15/ इतना आवर्स, इतने घंटे लग जाएंगे, 15/8 घंटे हो जाएंगे। अगर हम इसको एक एक नियम में बनाना चालू करेंगे तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि ए के लिए हम देखेंगे, ए का पार्ट देखेंगे कि 3 घंटे में एक टंकी भरते हैं, तो 1 घंटे में कितने भरेंगे, 1 घंटे में भरेंगे 1/3 भाग टंकी का, कितना भर देंगे 1/3 भाग टैंक का भर देंगे। उसी तरह से बी का देखेंगे कि 5 घंटे में वो एक टंकी को भरते हैं, तो 1 घंटे में कितने भरेंगे 1/5 भाग भर देंगे। अब दोनों मिलके कितने भरेंगे, तो ए प्लस बी मिलके जो हो जाएगा 1/3 + 1/5, इसको आप करेंगे तो 15/8 भाग, मतलब 1 घंटा में दोनों मिलके 8/15 भाग भरा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 8/15 भाग 1 घंटा में भरता है, इसीलिए एक भाग पूरा। तो यूनिटी मेथड का रूल आप रिकॉल कीजिए, क्योंकि ये छोटा है और उसको घंटे को बड़ा होना है, तो कैसे होगा, डिवीजन हो जाएगा, तो 1/8/15, अब इस फॉर्म में रहता है तो 15 ऊपर चला जाएगा, तो 15/8 घंटा। यूनिटी मेथड से भी सेम आया और आप फॉर्मूला से भी सेम आया। तो आप अगर यूनिटी मेथड का वीडियो नहीं देखे तो उससे भी देख लीजिए, ताकि आपको दोनों पे आपको परफेक्शन आ जाए, यूनिटी मेथड से भी आप क्वेश्चन को बना सके और फॉर्मूला याद रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पहला नल को टंकी भरने में एक्स घंटा लगता है,
और दोनों मिलके जो हमारा ए बी सी मान लेते हैं हम कि तीन नल हमारे पास ए बी और सी नल है, अगर ये दोनों मिलके भरते हैं तो वाई घंटे में भर लेते हैं, दोनों मिलके ए प्लस बी को वाई घंटा लगता है, यानी कि दोनों मिलके भरते हैं तो वाई घंटा में भर लेते हैं, और ए अकेले जो भरता है, ए अकेले को भरने को में जो लगता है उसको एक्स घंटा लगता है, तो बी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा, उसके लिए जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है बी को भरने में लगा समय होगा एक्स वाई बाय एक्स माइनस वाई। अब इस पे कोई आप रख लीजिए, सपोज कीजिए कि एक्स को अकेले भरने में जो टाइम लगा वो रख लीजिए छह घंटा हो गया, और वाई को दोनों मिलकर जो भरते हैं सपोज कीजिए दो घंटा लगता है, तो अकेले बी को भरने में कितना समय लगेगा एक्स वाई बाय एक्स माइनस वाई सिक्स इंटू टू बाय सिक्स माइनस टू यानी कि 12 बाय 4 थ्री आवर्स, तीन घंटे लगेंगे इसको डी को अकेले उस टाइम को भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी तीन अब टैंक है, क्योंकि ए बी सी अब तीन टैंक हो गए, तीन टैंक हैं और तीनों को सपोज कीजिए एक टैंक और यहां पे आ गया, इसको सी बोलते हैं, सी टैंक है। अब ये सी टैंक तीनों मिलके कितने देर में भरेंगे, अगर इसको एक्स घंटा लगता है, इसको वाई घंटा लगता है, और इसको अगर जेड घंटा लगता है, और तीनों को हम एक साथ चालू कर दें तो कितने देर में लग जाएंगे, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा एक्स वाई जेड बाय एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब आप इसको देख सकते हैं, सपोज कीजिए कि एक्स का वैल्यू हो गया थ्री आवर्स, वाई भरता है फोर आवर्स में, और जेड का हो गया टू आवर्स, दो घंटे भरते, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, थ्री इंटू फोर इंटू टू, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, फोर इंटू टू एट, और टू इंटू थ्री सिक्स, बारह, ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सिक्स आवर्स, ट्वेंटी फोर बाय ट्वेंटी सिक्स इसको काटेंगे तो ट्वेल्व बाय थर्टीन कट जाएगा, थर्टीन आवर्स, बारह बाय तेरह घंटा इसको दोनों तीनों को मिलकर लग जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला नल ए को भरने में एक्स घंटा लगता है और दूसरा नल बी को खाली करने में वाई घंटा लगता है। अब दोस्तों यहां पे थोड़ा सा कंडीशन को चेंज किया गया कि ए जो है उसमें एक्स घंटा भरने में लगता है लेकिन बी को खाली करने में वाई घंटा लगता है, तो कंडीशन ये कहता है कि अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अगर एक साथ सपोज कीजिए यहां एक टैंक बी बना दिया, टंकी बी है, ठीक है, ये टैंक बी है जो इसे पानी कर रहा है और ये पानी भर रहा है, ठीक है, तो अब दोनों को, अब अगर ये बी का जो खाली करने का रेट है डेफिनेटली ऐसे कम ही होना चाहिए, अगर वो ज्यादा खाली करता रहेगा तो टैंक कभी भरेगा ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन यही कर रहा है कि अगर इसको एक्स घंटा भरने में लग रहा है और ये बी को खाली करने में वाई घंटा लग रहा है तो कितने देर, दोनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो टैंक कितने देर में पूरा भर जाएगा। इसके लिए जो फॉर्मूला है दोस्तों कि टंकी को भरने में लगा रिक्वायर्ड समय एक्स वाई बाय वाई माइनस एक्स घंटा। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि एक्स को भरने में तीन घंटा लगता है और बी को खाली करने में पांच घंटा लगता है, दोनों को हम एक साथ चालू कर दें तो कितना टाइम लग जाएगा, तो थ्री इंटू फाइव बाय फाइव माइनस थ्री यानी फिफ्टीन बाय टू सेवन पॉइंट फाइव आवर यानी साढ़े सात घंटा इसको लगेगा टैंक को भरने में अगर दोनों चालू रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला नल ए को भरने में एक्स घंटा लगता है टंकी को, दूसरा नल बी को भरने में वाई घंटा लगता है, ए को भरने में एक्स घंटा लगता है, बी को भरने में वाई घंटा लगता है। अब ये कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दोनों नलों को खोलने के, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, अब ये यहां पे सपोज कीजिए कि नहीं है, ये नहीं है, ये बंद हो गया, अब सपोज कीजिए कि बी नल यहां पर आ गया, ये नल बी हो गया, इसको एक्स घंटा लगता है, इसको वाई घंटा लगता है भरने में, तो दोनों नल भरना शुरू एक साथ चालू कर दिए, लेकिन कहता है कि
दोनों को खोलने के कितने समय के बाद दूसरी नल को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी जेड घंटों में भर जाए। दोनों को एक साथ चालू कर दिए लेकिन कितने देर के बाद बी को दूसरे नल को बंद कर दे ताकि टंकी जो है जेड घंटों में भर जाए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है इसके लिए जो रिक्वायर्ड टाइम होगा कि वाई इंटू एक्स माइनस जेड बाय एक्स। अब एक फॉर्मूला आप फॉर्मूला पे एक डेटा रख लीजिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए कि ए को भरने में लगा समय 3 आवर्स, वाई भरता है उसको 5 आवर्स में, ठीक है। अब दूसरे नल को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी को भरने में लग जाए 2 घंटा, 2 घंटा में टंकी को भर जाए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आप रखिए y का वैल्यू हो जाएगा 5, x की वैल्यू 3, z की वैल्यू 2 और डिवाइडेड बाय x 3, यानी कि 5 × 1/3 5/3 आवर्स। कितना आसान है दोस्तों, देखिए कि अगर, और ये आप सपोज कि एक होमवर्क है आपके लिए, आप इसको यूनिटरी मेथड पे बनाकर देखिए बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं इसका आंसर आपको यूनिटरी मेथड के भी से भी बताऊंगा। ये एक इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, ठीक है। तो दोनों को खोल दिया और कितने देर के बाद बंद कर दिया जाए दूसरे टंकी को ताकि जेड घंटे में टैंक फिल हो जाए। तो इसके लिए ये फॉर्मूला था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नल भरता है एक्स घंटों में, बी नल भरता है वाई घंटों में और सी नल भरी टंकी को खाली करता है जेड घंटों में। तो कंडीशन दिया हुआ है कि अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में लगा समय एक्स वाई जेड बाय एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई घंटा। अगर ये नल है ये फिल कर रहा है उसको एक्स घंटा लग रहा है, नल बी है उसको भरने में वाई घंटा लगता है अलग अलग, और सी जो है पूरा भरी टंकी अगर है तो उसको खाली करने में जेड घंटा लगता है। तो अगर तीनों को एक साथ खोल दिए जाए डेफिनेटली सी को ए और बी से ज्यादा ही टाइम लगना चाहिए। तो खाली कर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला एक्स वाई जेड, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई। इसमें एक प्रॉब्लम लिख लीजिए, सपोज कीजिए ये है 3 आवर्स, ये है 4 आवर्स, ये है 5 आवर्स। सपोज कीजिए पहले को भरने में लगता है 3 घंटा, दूसरे को 4 घंटा और तीसरे को खाली करने में लगता है 5 घंटा। तो रिक्वायर्ड टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 4 × 5 डिवाइड बाय एक्स इंटू जेड, 3 × 5 15 प्लस वाई इंटू जेड 20 माइनस एक्स इंटू 12 ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 8 × 15 23। इतने आवर्स 60/23 आवर्स लग जाएंगे इसको भरने में। तो पाइप एंड टंकी से मैक्सिमम क्वेश्चंस यही था दोस्तों। और आप जो भी बुक से अगर आप पढ़ते हैं उससे आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने का, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ समय तथा दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन या रेलगाड़ी से रिलेटेड प्रश्न का वीडियो बनाएंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके और इसका लाभ उन लोग भी ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।